दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में दी जाने वाली वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी के बारे में। देश के वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्ति समाज के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति को किसी तरह का कोई खतरा ना हो और कितनी सुरक्षा उसको देने की जरूरत है, इसके लिए पूरी समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है। खतरे के आधार पर वीआईपी सुरक्षा पाने वालों में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्विस चीफ्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन या कोई आम इंसान भी हो सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही विशिष्ट लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद ही होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी के खतरे के आकलन के बाद ही यह तय किया जाता है कि किसी भी आदमी को किस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा इंडिविजुअल का थ्रेट असेसमेंट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री द्वारा रिव्यू की जाती है। उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन को किस कैटेगरी की सुरक्षा देने की जरूरत है। इंडिया में सुरक्षा व्यवस्था को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे Z+, Z, Y एंड X कैटेगरी। पर इन सबसे ऊपर आती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG सिक्योरिटी। SPG प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। SPG को 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल 1981 से पहले प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस डायरेक्टरेट स्पेशल सिक्योरिटी के हाथों में होती थी। फिर अक्टूबर 1981 में IB के कहने पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया और इस तरह से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को 1985 में एस्टेब्लिश किया गया। करंटली चार लोगों को SPG सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसमें करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। SPG के कमांडोज की बात करें तो इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काफी हद तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरह होती है। SPG में किसी भी कमांडो को शामिल करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है। SPG के स्पेशल एजेंट्स जनरली डार्क सनग्लासेस के साथ वेस्टर्न स्टाइल फॉर्मल बिजनेस सूट पहनते हैं। डार्क सनग्लासेस पहनने का कारण ये है कि कोई बता ना सके कि एजेंट फिलहाल किस तरफ देख रहा है। इन सभी एजेंट्स के पास टू वे इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। कभी कभार ट्रेडिशनल लोकेशंस पर ये सफारी सूट्स में भी देखने को मिल जाते हैं। अभी करीब 3000 SPG कमांडोज अपनी सेवा दे रहे हैं। इन सभी कमांडोज की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, बल्कि इन्हें एक सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेज से सिलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में लगे ड्राइवर से लेकर पर्सनल बॉडीगार्ड तक सभी SPG के कमांडोज होते हैं। अब बात करते हैं Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी के बारे में। Z+ सुरक्षा इंडिया में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद सेकेंड हाईएस्ट कड़ी सुरक्षा है। Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में 55 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी कैटेगरी की पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG कमांडोज की होती है, जबकि दूसरी परत की जिम्मेदारी SPG कमांडोज के पास होती है। ITBP और CRPF के जवान भी Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में शामिल होते हैं। इस कैटेगरी में मौजूद हर सिक्योरिटी मेंबर के पास सब मशीन गन और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। इन सभी कमांडोज को मार्शल आर्ट्स और अनआर्म कॉम्बैट में महारत होती है। करंटली 17 VIPs को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। Z कैटेगरी एक 22 जवानों का सुरक्षा कवच है, जिसमें 4 से 5 NSG कमांडो और पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं। करंटली अभी 38 लोगों को Z सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसमें एक्टर आमिर खान और बाबा रामदेव शामिल हैं। Y कैटेगरी 11 जवानों का सुरक्षा कवच होता है, जिसमें 1 से 2 कमांडो और पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं। 4th सिक्योरिटी कैटेगरी है X कैटेगरी। X कैटेगरी 2 से 5 जवानों का सुरक्षा कवच है और इस कैटेगरी में बस पैरामिलिट्री के जवान ही शामिल होते हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह Z+ सिक्योरिटी लेने वालों में इंक्रीमेंट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए और NSG के बोझ को कम करने के लिए अब ये जिम्मा CISF को भी दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको VIP और VVIP सिक्योरिटी को लेकर जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।